दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस के बारे में और इसके फ्यूचर अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है One UI 3.5 का यहाँ पर वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिनके अंदर आपको सबसे पहले और बहुत ही जल्दी यहाँ पर One UI 3.5 का सॉफ्टवेयर अपडेट है जो की यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आपको बहुत सारे कमाल के यहाँ पर फीचर्स है जो की यहाँ पर देखने को मिलने वाले है। सो अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस के यूजर हैं, सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि अभी तक भी 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है जब ये डिवाइस यहाँ पर रिलीज हुआ था तो इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड 10 और One UI 2.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद में दो बड़े जो मेजर अपडेट है वो यहाँ पर आ चुके हैं One UI 2.5 और One UI 3.0। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सहसे तुम्हें बताओ कि One UI 3.5 का जो अपडेट है वो गैलेक्सी A51 डिवाइस के अंदर मिलेगा, सो कौन सी डेट को मिलेगा, एक कंफर्म डेट के बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि One UI 3.5 का जो वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और लगभग यहाँ पर खत्म ही होने वाला है क्योंकि सैमसंग की जो नोट सीरीज है Note 21 सीरीज वो यहाँ पर रिलीज होने वाली है। सो उसी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड One UI 3.5 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है जो की यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बाद में आपको सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइस है जैसे की सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज और नोट सीरीज उनके अंदर आपको One UI 3.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में सैमसंग के जो मिड रेंज डिवाइस है फ्लैगशिप मिड रेंज डिवाइस है जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A51 और A71 सो इनके अंदर आपको अपडेट है वो यहाँ पर कंफर्मली देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में सो नोट सीरीज है वो आपको सेप्टेम्बर के मंथ में यहाँ पर रिलीज हो जाएगी और उसके बाद में आपको 2 मंथ्स के अंदर सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइस है उनके अंदर अपडेट है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें फाइनली आपको गैलेक्सी A51 डिवाइस के अंदर कौन सी तारीख को अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाला है One UI 3.5 का, सो ये बात यहाँ पर कंफर्म है कि इस डिवाइस के अंदर आपको अपडेट है Q1 2022 का जो मंथ है इसके अंदर यहाँ पर कंफर्मली देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कौन से मंथ में मिलने वाला है, सो जनवरी का जो मंथ है जनवरी के मंथ में आपको प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है इसी अपडेट की। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।